हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साईं पोल्ट्री फार्म में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चिक्स का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। कहां चिक्स का रेट 20 रुपये था और आज उसका डबल हो चुका है दोस्तों, 40 रुपये चिक्स का रेट हो गया है। और हम जो चिक्स का रेट बढ़ गया है उसका कारण है कि मार्केट का प्लस हो जाना। कुछ कुछ जगह पर मार्केट 100 रुपये से बहुत ऊपर जाके प्लस हो चुकी है दोस्तों, उसी वजह से चिक्स का रेट बढ़ गया है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो चिक्स का रेट है, अभी गणेश जी की जो प्रतिमा लगी हुई थी उस वजह से चिक्स की खपत थोड़ी कम थी। अब इसके बाद एक दो दिन में जो बोलते आपके धर्म में बोलते हैं दोस्तों कि जो पुरखा बैठ जाते हैं, तो उसमें भी माल की सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो और चिक्स का फिर जो मुर्गे का रेट है इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उसका कारण है कि चिक्स को रेट बढ़ाने के लिए माल का जो रेट है वो बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। जाहिर सी बात है आगे जाके जो चिक्स मुर्गे का रेट है वो गिरने वाला है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं 40 रुपये का चिक्स है वो हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो जो 40 रुपये का चिक्स है, आज है 7 सितंबर, अगर हम चिक्स डालने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप जाहिर सी बात है कि जो 24 अक्टूबर में दीपावली आने वाली है उसमें उसकी लॉट की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और आप जानते हो कि 40 रुपये का चिक्स है और 45 रुपये का फीड है, तो आप बहुत आपने कैलकुलेशन खुद ही कर ली होगी कि जो दीपावली पे जो हमारी 40 रुपये का चिक्स है वो तैयार होने वाला है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आने वाली है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 40 रुपये का चिक्स है और 45 रुपये का दाना है, तो एक बर्ड को 3 किलो 200 ग्राम दाना खाना पड़ता है, तब वो 2 केजी का हो जाता है। अब 40 रुपये का चिक्स और 45 रुपये के हिसाब से 3 किलो 200 ग्राम दाना दोस्तों 145 रुपये का हो जाता है। 145 रुपये दाने की जोड़ के चलते हैं, 40 रुपये का हम चिक्स जोड़ के चलते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों हम 3 रुपये पर बर्ड मेडिसिन का खर्च जोड़ के चलते हैं और 3.5 रुपये लेबर का खर्च जोड़ के चलते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम लाइट बुरादा अदर्स खर्चा जो होते हैं दोस्तों पोल्ट्री में, उसका हम 10 रुपये मैनेजमेंट लेके चलते हैं दोस्तों। तो उसका हम टोटल मैनेजमेंट जोड़ते हैं दोस्तों, तो 40, 135 और प्लस 200 ग्राम के 9 रुपये, 145 वो 145 और प्लस 40 आपके 185 रुपये हो जाते हैं। और 3 रुपये दवाई के जोड़ते हैं दोस्तों, तो 87, 88 रुपये उसके हो जाते हैं। और 3.5 रुपये अगर हम लेबर का चार्ज जोड़ते हैं तो 191 रुपये हमारे हो जाते हैं। और अब हम अदर्स खर्च जोड़ते हैं, 201 रुपये का हमारा वर्ड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आने वाली, 201 रुपये। अब हम दोस्तों इसमें कभी कभी हमारा वर्ड है बैक मार जाता है, लोड बेकार भी हो जाती है, इस वजह से हमें दवाई की जो कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ती है, वजन लॉस हो जाता है, तो उसका हम 5 रुपये अदर्स खर्च मान के चलते हैं दोस्तों। तो 205 रुपये एक बर्ड को 2 केजी का तैयार करने में हमें प्रोडक्शन कॉस्ट आने वाली है दोस्तों, तो 2 रुपये का कॉस्ट आने वाला है और 102 रुपये पर केजी हमें चिक्स तैयार होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों, तो दीपावली के समय में दोस्तों अधिकतर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं दोस्तों वो तो अब चिक्स डालती हैं वो अधिक मात्रा में डालती हैं, क्योंकि दीपावली पे सेल अच्छी रहती है दोज के हिसाब से। और अभी तो दशहरा आने वाला है तो दशहरे पे भी सेल अच्छी रहती है, इसलिए हर कोई दशहरा की और दीपावली की लॉट बनाना चाहता है दोस्तों। अगर हम दीपावली की लॉट की बात करें दोस्तों, तो दीपावली की लॉट अगर हमारा दशहरा चलता है और माल शॉर्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है मार्केट का रेट प्लस हो जाएगा दोस्तों। और आगे जाके जो दोज की लॉट होगी वो हमें अच्छी से अच्छी मिल सकती है। और हमें 102 रुपये का जो कॉस्ट पर केजी हमें तैयार हो रहा था दोस्तों, तो वो 102 रुपये में जो हमें माल पर केजी तैयार हो रहा था दोस्तों,
तो उसमें हमें अगर 5 रुपए 110 रुपए भी मुर्गा मिल बिक जाता है दोस्तों, तो हमें 1,000 बाट पे दोस्तों एक से 10 से 20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों मार्केट में अगर माल दशहरा की जो लॉट डली है दशहरा पे माल सही से निकलता है तो जाहिर सी बात है आगे जाके जो माल रुक जाता है तो मार्केट के चांस बढ़ने के नहीं रहते हैं, इसलिए मार्केट 100 रुपए के आसपास ही रहेगी दोस्तों। और दोस्तों मार्केट अगर 100 रुपए के आसपास रहेगी तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा दोस्तों। और दोस्तों जाहिर सी बात है जो दीपावली की जो लॉट डल रही है वो हमें चिक्स हम डाल तो रहे हैं दोस्तों, हमें चिक्स तो डालना ही डालना है, अगर हम फार्मर हैं तो हमें चिक्स डालना ही है, क्योंकि हम चिक्स नहीं डालेंगे तो हम अपना फार्म में जो हमने लाखों रुपए की इन्वेस्ट की है वो तो हम निकालेंगे कैसे दोस्तों, इसलिए हमें चिक्स भी डालना है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि अगर आप दीपावली पे लॉट बनाने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर आप चिक्स का रेट आपके यहाँ पे 30 रुपए के आसपास है तो आप बहुत मस्त तरीके बेधड़क होके दीपावली की लॉट बनाइएगा, और आपके यहाँ पर चिक्स की रेट 40 रुपए से अगर प्लस निकल जाती है दोस्तों, तो बहुत से अदर सिस्टम में 40 रुपए प्लस चिक्स की रेट हो चुकी है दोस्तों। तो आप चिक्स का जो माल चिक्स डालने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो कम क्वांटिटी में करके चिक्स डालिएगा, ताकि अगर हमें आगे प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस होगा तो हमें कम से कम लॉस होगा दोस्तों। दोस्तों आई होप आप वीडियो में समझ गए होंगे कि हमें दीपावली की लॉट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्ञान के साथ, तो जब तक के लिए जय जवान जय।